अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप सबने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पहले मैं पढ़ाऊँगी बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या चीज़ है? बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी की रिलेशनशिप है, आपकी बॉडी में एनर्जी यूज़ हो रही है और रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब जो यूज़ हो रही है और जो रिलीज़ हो रही है, इनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, यानी कि वो एनर्जी जो हम बायो के फील्ड में यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है यूज़ का और रिलीज़ का, यानी कि ये कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं पे ये एनर्जी यूज़ हो रही है, कहीं पे ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इसलिए हम इसको बायो एनर्जेटिक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे इस्तेमाल हो रही है बॉडी में हमारे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आप अगला चैप्टर अगर आप खोलते हैं, अगला पेज सॉरी, तो इसमें आप पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन विच इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, ठीक है, यानी कि लॉस्ट। आप इस ओ से याद रखें कि आपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन में रिड्यूस कर दिया, यानी कि लॉस्ट कर दिया, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में गेन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आई होप केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अगेन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओ से याद रखें, लॉस्ट, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेन पॉइंट है, वो आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। कहीं से भी वो निकल रहे हैं या कहीं से वो ऐड हो रहे हैं, कहीं से वो माइनस हो रहे हैं, कहीं से वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे। और डिस्पाइट कि वो लोकेशन में हो कोई भी या अरेंजमेंट में हो, तो कोई भी जगह पर हो, लेकिन वो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है तो वो स्टेबल एसोसिएशन उसकी बनेगी, लेकिन वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींचा जाए, यानी कि ड्रैग किया जाए, निकाला जाए, ड्रैग किया जाए, तो ये आपको देंगे एनर्जी, यहाँ से निकालेंगे एनर्जी, ठीक है। तो दे ट्राई टू दे आर
यदि आप द सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं पे भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये आपको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व करता है लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था जो मैंने बता दिया, जो आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बायोलॉजी में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, वो तो हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ लिया कि क्या हो रहा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एटम, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं एटम को रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सॉरी, ये मैंने वाटर बना दिए, इट्स हाइड्रोजन। ठीक है, सो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इस्तेमाल हो रही है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इन केस लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली या हाइड्रोजन एटम इज बेसिकली या रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, ये यहाँ तक फिनिश हो गया। ठीक है, अब आ जाता है एटीपी। एटीपी, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से। हर सवाल एटीपी का आता है, हर सवाल मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से वो एटीपी किसी भी तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो कोई भी सेल में कोई एनर्जी इस्तेमाल होती है, या कहीं पे भी आप जाएं, फैक्ट्री में कोई भी जगह भी आप जाएं, तो वहाँ पे आगे चलने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, मनी। ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज़, आप कहीं पे भी जाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप वो पैसे लेके ख़रीदेंगे, अगर आपने गाड़ी में बैठना है और चलानी है गाड़ी को तो आपने पेट्रोल डालना है, पेट्रोल डालने के लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है। तो बेसिकली जो सेल को चलाती है चीज़, जो सेल को आगे लेके जा रही है चीज़, या सेल की लाइफ जो चल रही है वो किससे चल रही है, वो एटीपी से चल रही है। यानी कि एटीपी इज द मेन एनर्जी सोर्स। अगर ये आपके सेल में नहीं होगी तो आपके सेल में एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, नो एटीपी नो एनर्जी। ठीक है, सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सेलुलर फंक्शन, लाइक सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, या कोई भी काम। फॉर एग्जांपल आपकी नर्व में जो ट्रांसमिशन हो रही है, आपकी नर्व में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी किसकी वजह से हो रहे हैं, एटीपी की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एटीपी में, एटीपी जो है बेसिकली इट्स अ एनर्जी, एनर्जी टू विच, एनर्जी टू सेल्स। ठीक है, एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सेल्स। द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और बात एटीपी की ये है कि ये एक तो ये मेन एनर्जी सोर्स है, दूसरा ये स्टोर करती है एनर्जी को और रिलीज करती है एनर्जी को। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
एटीपी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अब मैं आपको बताती हूँ। ये हो गई चीज़ कि एटीपी इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सेल, मेन एनर्जी सोर्स है, और इसमें कैपेबिलिटी है, इट स्टोर्स द एनर्जी एंड इट रिलीजेस द एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, 3 फॉस्फेट आयंस। ठीक है, ये ग्रुप से मिले हुए किससे, एक राइबोस शुगर से। ठीक है, उसके साथ ये अटैच्ड है एक और स्ट्रक्चर से, उसे कहते हैं एडीनिन, एडीनिन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एटीपी का। ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है टर्म, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक और टर्म्स आते हैं इसमें। एक आता है एएमपी, एक आता है एडीपी, एक आता है एटीपी। नाउ दीज थ्री टर्म्स आर सेम, एडीनिन सेम, एडिनोसाइन इज सेम, एडिनोसाइन इज सेम, एडिनोसाइन इज सेम। नाउ हेयर कम्स मोनो, मोनो यानी वन, डाई मीनिंग्स टू, और ट्राई मीनिंग्स थ्री। यानी कि यहाँ वन मोनो यानी कि एडिनोसाइन इज अटैच टू वन फॉस्फेट। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट, यानी कि वन फॉस्फेट के साथ अटैच है। एडिनोसाइड डाईफॉस्फेट, डैट मीन्स ये टू फॉस्फेट्स के साथ अटैच है। और एडिनोसाइड ट्राई फॉस्फेट का मतलब ये है कि ये थ्री फॉस्फेट के साथ अटैच है, जो मैंने आपको पहले से स्ट्रक्चर थ्री फॉस्फेट का बता दिया था। अगर इसमें स्ट्रक्चर में अगर एडिनोसाइन मोनो है तो यहाँ पे सिर्फ एक होगा, और अगर एडिनोसाइन डाई है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पी दो अटैच्ड हो गए फॉस्फेट की, और अगर थ्री है तो ट्राई है तो थ्री। सो दीज आर द थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ के एटीपी जो है वो एएमपी कैसे कन्वर्ट होता है, और एएमपी फिर एटीपी पे कैसे कन्वर्ट होता है, और एटीपी कैसे फॉर्म होता है इन दोनों से। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया एटीपी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। नाउ अब इस पे जो मैंने आपको पहले बताया थे कि एटीपी जो है वो एडीपी कैसे बनेगा और एडीपी जो है वो एएमपी कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि एटीपी कैसे बनेगा। एटीपी जो है वो क्या करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड ने कनेक्ट कर रहा है टू फॉस्फेट को। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है टू फॉस्फेट को, और जब एटीपी कंबाइन करता है वाटर के साथ तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को एक फॉस्फेट निकल गया, डाई बन गया, और साथ इसकी एक एनर्जी भी रिलीज हुई है। ठीक है, और वो एनर्जी कितनी है, तकरीबन 7,000 3,000 कैलोरीज। अच्छा, मैं आपको अब इस फॉर्म को बताती हूँ कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं और हम कहते हैं जी इतनी कैलोरीज प्रेजेंट है इस फूड में, कैसे कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जब वो खाना आपकी बॉडी में जाता है तो सेल के अंदर जाता है, जब सेल के अंदर जाता है तो मैंने आपको बताया कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल का वो क्या है, एटीपी है। तो जो खाना आप खाते हैं वहाँ से ब्रेक डाउन होता है, वो आपको बनाता है एटीपी। एटीपी फिर फर्दर आपको वाटर के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज कराता है, और वो बन जाता है एटीपी। सिंगल फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, इस तरह आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बात आप समझ आ गई। अच्छा, अब एडीपी भी फर्दर मैंने आपको बताया था एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होता है, फिर अगेन एडीपी फिर वाटर के साथ कंबाइन करता है और ये बना देता है आपकी अगेन एएमपी, फिर फॉस्फेट रिलीज करता है। ठीक है, और इसके साथ फिर आपकी एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी अगेन कितनी रही आपकी, 7,300 कैलोरीज।
ये आप लोगों को बात समझ आ गई। सो दिस इज़ बेसिकली आपके यानी कि खाना जो आप खाते हैं वहाँ पे यही चीज़ हो रही होती है, ब्रोकन डाउन हो रहे होते हैं एटीपी इनटू एएमपी और एएमपी इनटू एडीपी। तो ये सारा सोर्स आपका बॉडी में हो रहा है जो कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम ये कहते हैं एटीपी जो है बेसिकली वो क्या है कि जनरेट करता है एनर्जी, ठीक है, और फिर जब वहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होती है कि वो एनर्जी यूज़ करे वहाँ वो दोबारा एटीपी में फॉर्म हो जाता है, ठीक है, सही है। मतलब समझ आई कि यानी कि अगर जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये क्या एटीपी फौरन बन जाएगा, और जहाँ हमें ज़रूरत है बॉडी को ज़रूरत होगी कि भाई हमें हवा एनर्जी चाहिए अब, तो ये एटीपी फौरन ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी बनती भी है और एनर्जी जो है वो आ, 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 क्या कहते हैं उसको, एनर्जी जो है वो ब्रोकन डाउन भी होती है। एटीपी जो है वो टूट जाता है एनर्जी देने के लिए और दोबारा से कंज्यूम करने के लिए दोबारा फॉर्म हो जाता है एटीपी में, ठीक है। ये हो गया हमारा एटीपी का टॉपिक कवर हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इजी बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सेम। इट्स सेम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, इट इज़ द ग्लूकोज, ग्लूकोज हम कहते हैं C6H12O6, दिस इज़ ग्लूकोज, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एब्सेंस और इन द सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमें क्या क्या हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का जो कि बहुत 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 ज़रूरी है, प्लस लाइट एंड किसकी प्रेजेंस में होता है ये, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये बनाता है आपका ग्लूकोज और फिर क्या बनाता है आपको, ऑक्सीजन बनाता है और फिर आपको क्या देता है, अगेन वाटर। सो दिस इज अ होल फोटोसिंथेसिस इक्वेशन और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसका कोई वो नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये हर पेपर में तकरीबन हर दफ़ा आता है ये भी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने क्या कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली ग्लूकोज की यूजेज हो रही है, कैसे, विद द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट कन्वर्ट्स इंटू ऑक्सीजन एंड अगेन वाटर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक और चीज़ ये कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कैसे होता है, कैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट लेता है। सबसे पहले हम कहते हैं वाटर, नाउ प्लांट वाटर कैसे लेता है। अगर आपको पता हो कि प्लांट के नीचे रूट्स होती हैं और वो सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर से ये जो रूट्स हैं ये वाटर एब्जर्व करती है, ठीक है। सो वाटर जो है सॉइल में प्रेजेंट होता है वो रूट्स रूट की हेयर्स में एब्जॉर्व होता है, ठीक है, और इस तरह ये पूरा आपकी रूट में जाता है और रूट के अंदर जो है जब आपका पूरा प्लांट है, प्लांट के अंदर होते हैं एक वेसल्स होती हैं, अल्लाह मेरे दरख्त को दरख्तों के अंदर और पत्तों के अंदर एक वेसल्स बनाई हुई हैं, उनको हम कहते हैं जाइलम वेसल्स। जैसे आपकी अल्लाह मेरे नसें बनाई हुई हैं उसमें खून दौड़ता है, इसी तरह अल्लाह मेरे प्लांट्स के अंदर भी एक वेसल्स बनाई हुई हैं, उन्हें हम कहते हैं जाइलम वेसल्स, और वो ये जाइलम वेसल्स पानी लेकर जाती हैं टूवर्ड्स लीव्स तक, ठीक है। तो वाटर तो इस तरह जाता है प्लांट के अंदर। दूसरी चीज़ क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह प्लांट लेता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह लेते हैं प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये लीव से, ठीक है,
अब लीफ के अंदर बहुत, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो छोटा सा लम यानी एक पोर्स बनाए हुए लीव्स के अंदर, ठीक है, और इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, अब क्या होता है स्टोमेटा, मेसोफिल, यहाँ पे ये बेसिकली जो लीफ है, लीफ के भी सेल्स होते हैं, ठीक है, और लीफ के सेल्स को कहते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो ये कहता है कि जो स्टोमेटा जो है, स्पेस से जो ओपनिंग है वो किसके इर्द गिर्द है, वो मेसोफिल सेल्स के अराउंड है। तो एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्व कर जाती है थिन लेयर में, ठीक है, मेसोफिल सेल्स से, और इधर से मेसोफिल सेल से ये अंदर लीव्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग है, यहाँ से इस ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं, एयर यहाँ से एंटर होती है, ठीक है, और एब्जॉर्व होती है। इसके बाद मेसोफिल सेल्स की लेयर आती है, वहाँ से थ्रू वो लीव्स के अंदर एब्जॉर्व हो जाती है, ठीक है। तो स्टोमेटा हो गया ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड की, एयर की, यहाँ से एयर जाती है, ठीक है, और साथ ही स्टोमेटा के मेसोफिल सेल्स की लेयर है, यहाँ पे एब्जॉर्व होती है एयर, और उसके थ्रू फिर फर्दर लीफ के अंदर एब्जर्व हो जाती है। सो दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस एंड दिस इज हाउ इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग थ्रू द प्लांट, ठीक है। अब आई होप फोटोसिंथेसिस का क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। अब हम आगे पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सॉरी बच्चों, मुझे जुकाम हो रहा है। फोटो अच्छा, अब बच्चों इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है ये हम बहुत अब डीप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेवल पे आके पढ़ रहे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेवल में दो चीज़ें हो रही हैं, आपका एक लाइट रिएक्शन हो रहा है, एक हो रहा है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। दो हिस्सों में, दो जैसे दिन का मतलब, लाइट रिएक्शन का मतलब एक है रिएक्शन जो डे टाइम में हो रहा है, और जो डार्क रिएक्शन है इसका मतलब ये है कि नाइट टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो प्लांट्स जाहिरी बातें सुबह भी आप देखते हैं, शाम भी, रात में भी, तो इन लोगों के अलग अलग फंक्शंस हैं। जो दिन में फंक्शन है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और जो रात में हो रहा है उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। अब लाइट रिएक्शंस में यानी कि दिन के टाइम क्या हो रहा है, नाउ लाइट रिएक्शंस में जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होगा तो आपकी जो लाइट है वो एब्जॉर्व नहीं होगी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि जब लाइट, जैसे ही व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जर्व लाइट, जब वो लाइट आती है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल लाइट आती है एब्जॉर्व होती है, तो यहाँ पे क्या होता है एनर्जी क्रिएट होती है। जाहिर बात है जहाँ आप कभी भी आप बैठे हैं बाहर, तो जब आपके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चीज़, वो जगह गर्म हो रही होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, और जहाँ एक्शन में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपना वो निकालना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनमें एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जब वो निकालना शुरू कर देते हैं तो वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है फिर, और हमने पढ़ा है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ क्या होता है एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसका मतलब ये क्या निकाला है इन्होंने, एटीपी निकाला है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, पीछे अगर आप देखें तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकाला है इसका मतलब इन्होंने क्या, एटीपी निकाला है।
अब क्या हो रहेगा, लाइट ऑल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम्स आयंस। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स, अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन निकाला, आपको मैंने बताया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक और रिएक्शन में क्या बना रही है, एटीपी। यहाँ वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है साथ साथ, ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया, हाइड्रोजन भी अलग हो गया, ठीक है, अब क्या एटीपी भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगेन दूसरे क्लोरोफिल में ये ट्रांसफर हो रहा है, और इस तरह फिर अगेन एक इसमें एलर्जी क्रिएट हो रही है, फिर इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है अगेन इसमें एटीपी एनएडीएच हो रहा है, ओ सॉरी एटीपी रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो रिएक्शन है ये दिन के वक्त का रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका किसके वक्त का रिएक्शन है, दिन के वक्त का रिएक्शन है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और जब एटीपी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है फर्दर क्या हो रहा होता है, फर्दर आगे जाके ये एक और मॉलिक्यूल है जो कि एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है NADPH। ये क्या होता है, NADP, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था वो यहाँ जाके एड ऑन हो जाता है, और ये पूरा एक मॉलिक्यूल बदल जाता है जिसका नाम है NADPH। ना NADPH क्या चीज़ है ये भी हम पढ़ लेते हैं, ये एक नई चीज़ है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल्स पे, ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है कि यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, गर्म हो जाता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो हमें पता है एटीपी रिलीज होता है। इसी तरह फर्दर अगेन इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर दूसरे क्लोरोफिल्स पे जाके एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है, और आगे जाके ये एनएडीपी जो अकेला था बेचारा वो हाइड्रोजन के ब्रेकडाउन से एक हाइड्रोजन ऐड करता है और वो पूरा क्या बन जाता है, एनएडीपीएच। ठीक है, अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ एनएडीपीएच क्या होता है। NADPH इज निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडी नाइन डाई न्यूक्लिया टाइड। ठीक है, इज अ एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन्स को लेता है और रिड्यूस करता है NADH में। बेसिकली NADP ये क्या है, एंजाइम, एंजाइम पर पता है एंजाइम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, सो बेसिकली इट इज़ द एंजाइम जो टेक करता है, जो विच टेक्स द इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेता है और उसको फर्दर रिड्यूस कर देता है NADH। अब यहाँ पे क्या मतलब रिड्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि समझ आ रही है, रिडक्शन हो रहा है यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस टू NADH यानी कि NADPH बन जाता है। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम इज ऑल्सो कैरीज फॉस्फेट विद इट, सो इट इज कॉल्ड NDP, और ये जो है ये कैरी करती है साथ अपने फॉस्फेट के। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अब समझ आ गई होंगी कि क्या हो रहा है लाइट रिएक्शन में। अब हम आ जाते हैं डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन जो है वो उसमें क्या होता है कि डार्क रिएक्शन को एक पे उस पर बुलाती हूँ कैल्विन साइकिल में। डार्क रिएक्शन क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन के साथ मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, टेम्पररी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ
फाइव कार्बन टू फॉर्म सिक्स कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये कार्बन कंपाउंड स्प्लिट होते हैं अगेन टू टू, थ्री कार्बन कंपाउंड एंड थ्री कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये जब थ्री कार्बन कंपाउंड और फर्दर रिड्यूस टू थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग एटीपी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एनएडीपीएच। अब ये जो फर्दर सिक्स कार्बन है, ये फर्दर जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट में और एटीपी में, रिड्यूस फ्रॉम एडीटीपीएच। द थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो फेज आता है थ्री कार्बन का, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हर जब ये टूटते हैं तो यहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है और एनएडीपीएच जो कि एंजाइम है वो भी आ जाता है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं मिलके, ग्लूकोस। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा कि ग्लूकोस कैसे बन रहा है। ठीक है, C6H12O6 वो इस तरह फॉर्म हो रहा है, यानी कि ग्लूकोस आप समझ ले कि वो नाइट टाइम में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जो थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स है आर ऑल्सो यूज टू जनरेट, अब ये अगेन जनरेट कर सकते हैं फाइव कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और इस स्टेप पे भी आपकी एटीपी यूज हो रही है। अब फिर डिटेल्स फिर समझा देती हूँ। डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं फाइव कार्बन कंपाउंड के साथ टू फॉर्म टेम्पररी सिक्स कार्बन कंपाउंड, जिसमें स्प्लिट होते हैं इंटू टू कार्बन कंपाउंड ऑफ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसमें दे रिड्यूस हो जाते हैं, कार्बन जब रिड्यूस होता है तो ये क्या करता है, एटीपी रिलीज यूज करता है और हाइड्रोजन यूज करता है और क्या बना देता है, एनएडीपीएच। ठीक है, वैसे हमें पता है कि मॉलिक्यूल एंजाइम जो है एनएडीपी है, जब वो रिड्यूस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है उसके साथ। ठीक है, अब ये क्या बनाते हैं दोनों मिलके, ये ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज में क्या होते हैं, ग्लूकोज जो बनाते हैं और ये नाइट टाइम में बनाते हैं, और अगेन ये जो थ्री कार्बन है अगेन फाइव कार्बन है कंबाइन हो जाते हैं और फिर ये पूरा एक सर्कल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया डार्क रिएक्शन जो रात के वक्त होता है। अब हम आ जाते हैं रोल और क्लोरोफिल की तरफ। अब क्लोरोफिल का क्या रोल है, अब क्लोरोफिल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से लाइट एब्जॉर्ब होती है। कौन सी लाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये सिर्फ 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है ऑन लीफ सरफेस पे। ठीक है, पूरी नहीं होती।